हमारा स्पेशल प्रोग्राम दिल की बात। आज इस दिल की बात प्रोग्राम में आज मेरे साथ हैं संदीप ग्रोवर, एक समाज सेवक, धर्म में उनकी आस्था और खाटू श्याम को वो अपना सब कुछ मानते हैं। संदीप जी, आपका स्वागत और अभिनंदन मैं दिल की बात प्रोग्राम में कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल आपसे है, खाटू श्याम परिवार से आपका जुड़ो और किससे प्रेरणा आपको मिली? मैं खाटू श्याम परिवार से विगत 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को जोड़ने में मुख्य जो भी मेरे प्रेरणा स्रोत है वो मनीष जी सोनी कमला ऑप्टिकल नीमच हैं। उनकी बातों से मैं बहुत प्रभावित था, तो एक दिन मेरे मन में भी आई कि श्याम जी के दर्शन करके इतनी गुणगान करते थे कि बाबा हमारा ऐसा है, बाबा हमारा ऐसा है, तो मन का बिल्कुल बाबा के दर्शन और बाबा से अपने को भी जुड़ना चाहिए। और सबसे अच्छी बात मेरे को श्याम परिवार में एक लगी कि इतने अच्छे लोग, इतने धनाढ्य लोग भी वहाँ नम्रता से बहुत बहुत सेवा भाव से वो चरण स्पर्श करके एक दूसरे को जय श्री श्याम बोलते हैं। ये इस परिवार की सबसे बड़ी खासियत है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ धन की संपन्नता होने के बावजूद भी सरलता, विनम्रता बहुत ज़्यादा है लोगों में जो इस संस्था से, इस परिवार से जुड़े हुए हैं। आप जुड़े खाटू श्याम से, आपने सेवा पूजा उनकी करी, आपके आपके दैनिक जीवन में क्या परिवर्तन आपने देखा? दैनिक जीवन में परिवर्तन, मेरे को प्रॉपर्टी करते करते बहुत साल हो गए, 2008 से मैं प्रॉपर्टी व्यवसाय में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन विगत 2 सालों से जब से श्याम बाबा से जुड़ा हूँ, प्रभु कृपा से, उनके आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से काम चल के आते हैं। मुझे इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती जितने अन्य लोग करते हैं, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, उनका सर पर हाथ है इसलिए इतने काम हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की ही कृपा है। एक और मेरा अंतिम सवाल आपसे है, समाज सेवा को लेकर क्या आपका कोई विजन ऐसा बना है कि कुछ करना चाहते हैं मनासा के लिए आप? मैंने श्री श्याम कृपा से, श्याम जी के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, उनकी कृपा से मैंने जो भी हासिल किया है, और मैं शब्दों में तो बयान नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं श्री श्याम कृपा के लिए, लेकिन मेरे मन में एक भाव है। रामपुर रोड पर मैंने कृषि फार्म, श्याम कृषि फार्म के नाम से मेरे मन में है, जो जगह मैंने ली है, उस कृषि फार्म में मैं 5000 स्क्वायर फिट का 3-4 महीने बाद निर्माण चालू कर रहा हूँ, जिसमें हर 11 पर श्री श्याम के कीर्तन हो, मेरे मन में ऐसे भाव हैं। श्री श्याम कृपा से एम्बुलेंस हो, जो मेरे दादाजी की स्मृति में श्री श्याम कृपा नाम लिखा हुआ हो, और कुछ बर्तन और ऐसी व्यवस्था श्री श्याम कृपा से उस हाल में, ताकि किसी भी जन को शादी की ज़रूरत हो या कुछ वैवाहिक कार्यक्रम हो या कुछ भी कार्यक्रम हो, तो श्री श्याम कृपा से वो निशुल्क व्यवस्था रखने का मेरे और मेरे परिवार का भाव है श्री श्याम के कृपा से। और कुछ करना चाहते हैं आप? श्री श्याम कृपा से मैं इस, ये दोनों विजन चालू करने के बाद मैं, मेरे मन में जो भाव है कि प्रॉपर्टी का जो भी सौदा करूँगा उसमें से कुछ शेयर निकाल के साल किसी की शादी में या वहाँ 25-50 जोड़ों का हर साल शादी हो सके, ऐसे मेरे मन के भाव हैं। और श्री श्याम कृपा से ये भी बिल्कुल गुरुजनों के आशीर्वाद से ये भी संभव होगा ही, ऐसा नहीं कि होगा, बिल्कुल होगा श्री श्याम की कृपा से। संदीप जी, आपकी सोच, आपका विजन और आपकी दूरदृष्टि, सामाजिक क्षेत्र में बात करें, धार्मिक क्षेत्र में बात करें, बहुत अच्छा लगा मेरे को आज दिल की बात प्रोग्राम में। आप हमेशा आगे बढ़े, ये शुभकामनाएं हमारी आपके साथ रहे। आपका, बड़े भैया का सहयोग बना रहे, आपका आशीर्वाद और श्री श्याम का आशीर्वाद बना रहे।